Hello friends and welcome to our new video where we will discuss about the wildcard operators in Excel. So, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि Excel के अंदर आपके wildcard operators क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनको कैसे हम लोग अपने day to day working में use कर सकते हैं with a practical example. Along with this, इस वीडियो के end में मैं आपको एक trick भी बताऊंगा जिससे आप लोगों की जो day to day working है वो और भी ज़्यादा easy और hassle free हो जाएगी. सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना और अगर आपको पसंद आया तो यार प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करे बिना मत जाइएगा. माय नेम इज राहुल अग्रवाल एंड यू आर स्ट्रीमिंग एक्सेल टू पावर एकेडमी. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर होते क्या हैं? व्हाट इज दिस वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स? सो इफ वी ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, सो वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स आई कैन से इट्स अ काइंड ऑफ अ स्पेशल कैरेक्टर which will help you to identify a certain value in a string. मतलब कि अगर मेरे पास एक सेल में कोई वैल्यू लिखी हुई है, सपोज करिए मेरा नाम लिखा हुआ है या कुछ भी और टेक्स्ट लिखा हुआ है और उस पूरे टेक्स्ट में से मुझे एक कुछ पार्शल अल्फाबेट या कुछ पार्शल कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली कुछ आउटपुट निकलवाना है, तब जनरली हम लोग वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स यूज करते हैं. सो दे आर नॉट अ फंक्शन जैसे हमारे पास बाकी एक्सेल के फंक्शंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी लुकअप है, एच लुकअप है या और भी सम काउंट के फंक्शंस है. सो दे आर नॉट द फंक्शंस बट दे आर बेसिकली द कॉम्प्लीमेंट्री फीचर जो कि आप किसी भी फंक्शन के साथ, एक्सेल के किसी भी फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं. एक्सेल में हमारे पास बेसिकली तीन तरीके के वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे होंगे. सो दीज वर द थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर जो हमारे पास हैं. द फर्स्ट वन इज द एस्ट्रिक साइन, सेकेंड इज द क्वेश्चन मार्क एंड द थर्ड वन इज द टिल्डे साइन. तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इन तीनों को यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे वर्किंग में. तो सबसे पहले हमारे पास आता है हमारा एस्ट्रिक साइन. So when we talk about the asterisk sign, this is the most common and used technique than the rest of the two operators, जो कि है हमारे question mark and the tilde sign. Asterisk sign generally आपका use होता है to identify or to pick any kind of a character from your text. तो मतलब कि अगर मुझे किसी cell पे मेरा नाम लिखा है या कोई text लिखा है और मुझे उसमें से कोई specific character या फिर alphabets pick करवाने हैं तो मैं एस्ट्रिक साइन का यूज कर सकता हूं. नाउ एस्ट्रिक साइन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री डिफरेंट टाइप्स जो कि आप मेरी स्क्रीन पर यहां पर देख सकते हैं. सो दे आर बेसिकली स्टार्ट्स विद, एंड्स विद एंड दी कंटेन. अब ये क्या होता है, तो सपोज करिए अगर मेरे पास किसी सेल में कोई वैल्यू लिखी है और मुझे उसके स्टार्टिंग से कोई कैरेक्टर पिक करवाना है या फिर उसके एंड से करवाना है या फिर कोई ऐसा कैरेक्टर पिक करवाना है या ऐसा टेक्स्ट पिक करवाना है जो कि उस पूरे स्ट्रिंग के किसी बीच में से है, तो वो तीनों की तीनों तरीके से मैं पिक करवा सकता हूं बाय यूजिंग द सिंगल वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर विच इज माय एस्ट्रिक साइन. नाउ वी विल सी इन अ प्रैक्टिकल वे कि एस्ट्रिक साइन यूज कैसे होता है. सो आप यहां पे भी देख सकते हैं, वैसे मैंने यहां पे बहुत क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि एस्ट्रिक साइन को यूज कैसे करना है, बट लेट्स जंप टू द एग्जांपल और देखते हैं कि एक्चुअल में यूज कैसे कर सकते हैं हमको. नाउ एज यू कैन सी ओवर हेयर वी हैव अ टेक्स्ट स्ट्रिंग जहां पे हमारे पास कुछ ईमेल आईडीज लिखी हुई हैं विद अ डिफरेंट डोमेन नेम. वी हैव अ जीमेल, वी हैव याहू, वी हैव हॉटमेल एंड अदर ऑल्सो. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि भैया हमको क्या करना है, हम लोगों को इस पूरी स्ट्रिंग में से यू हैव टू काउंट कि मेरे पास जीमेल आईडीज कितनी है. ठीक है, हाउ वी कैन डू इट? सो इन एन एक्सेल देर इज अ फंक्शन काउंटिफ जो कि आपके इन तरीके की बेसिकली क्वेरीज को रिजॉल्व करता है. सो विल स्टार्ट अप्लाइंग द काउंटिफ. हम लोग काउंटिफ लगते हैं, वी प्रेस ओपन द पैरेंथेसिस. आई हैव टू गिव द रेंज, I mark the entire range from where I have to calculate. Press F4 to lock those cells, comma. Now here I have to mention my criteria. Now as it's a text, so if I write simply the gmail.com and close my double quotes and my bracket, so it will give me an error or a wrong output which is zero. ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे तीन जीमेल आईडीज़ ये रही, एक ये रही एंड सो इन टोटल वी हैव सिक्स. सो इंस्टेड ऑफ जीरो द आउटपुट शुड बी सिक्स. नाउ व्हाट वी कैन डू, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द जीमेल एज इट इज,
क्योंकि हम लोगों को जीमेल जो है हमारा टेक्स्ट के एंड में है, सो इफ यू फॉलो मी, एंड्स विद को हमको इस पैटर्न में लिखना है, मीन्स फर्स्ट वी हैव टू राइट द एस्ट्रिक साइन देन द टेक्स्ट जो हम लोगों को पिक करवाना है. सो द सेम मेथड वी विल स्टार्ट फॉलोइंग हेयर. सो दिस इज द टेक्स्ट विच आई हैव टू, यू नो, आई हैव टू कैलकुलेट. दिस इज माई बेसिकली द क्राइटेरिया. बिफोर दिस टेक्स्ट आई हैव टू जस्ट पुट माई एस्ट्रिक साइन. सो वो क्या करेगा, वो हर एक सेल में जाएगा और इंस्टेड ऑफ कंप्लीट स्टेटमेंट, इंस्टेड ऑफ कंप्लीट स्ट्रिंग को देखने के लिए, वो एक स्ट्रिंग को या एक सेल की वैल्यू को पीछे से देखना स्टार्ट करेगा. और पीछे से वो क्या चीज रेफर करेगा, वो रेफर करेगा मेरा ये वाला टेक्स्ट विच इज माई जी मेल. अगेन नो चेंज इन द फंक्शन, जस्ट वी पुट द एस्ट्रिक साइन एंड वी प्रेस एंटर, एंड एज सून एज यू प्रेस द एंटर यू विल गेट योर आंसर विच इज माई 6, राइट. सो दिस इज बेसिकली हाउ यू यूज द एस्ट्रिक साइन. देर इज वन मोर मैथड, इंस्टेड ऑफ एंड्स विद वट यू कैन डू, यू कैन ऑल्सो यूज द कंटेंट्स ओवर हेयर. नाउ हाउ वी कैन यूज इट, अगेन द सेम फंक्शन, वी टाइप द काउंट इफ, वी पुट द रेंज, वी ब्लॉक द सेल्स बाय प्रेसिंग F4, कॉमा. नाउ इन द क्राइटेरिया इफ आई से कंटेंट्स, हाउ वी कैन राइट इट, वी हैव टू यूज दिस फॉर्मैट और दिस आई वुड से द टाइप टू मैंशन माई क्राइटेरिया. डबल इन्वर्टेड कॉमाज आपको ओपन करना है बिकॉज वी आर राइटिंग अ टेक्स्ट. वी पुट द एस्ट्रिक साइन, वी राइट gmail.com, वी अगेन पुट द एस्ट्रिक साइन क्योंकि कंटेन्स है, तो दो स्टार दो एस्ट्रिक साइन के बीच में मेरा टेक्स्ट है. माई डबल कोट्स, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर. सो देखा आपने कि कैसे मेरा एंड्स विद और कंटेन्स दोनों से ही मेरा आउटपुट सेम आ रहा है. सो दैट्स बिकॉज यू नो दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच द एस्ट्रिक साइन बिकम्स द प्री आई वुड से द डोमिनेंट वाइल्ड कैरेक्टर देन द रेस्ट ऑफ द टू. वी विल सी वन मोर एग्जाम्पल ओवर हेयर ताकि हम लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी मिल सके. अगेन वी हैव द नेम, कुछ हमारे पास यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू काउंट द फीमेल कंटेंडर. नाउ हाउ वी कैन काउंट इट, अगर मैं आपको बोलूँ कि जहां जहां पे भी मेरा जो टाइटल है या सैल्यूटेशन है, इफ इट्स मिसेस देन इट्स अ फीमेल कंटेंडर एंड आई हैव टू काउंट ऑल ऑफ देम. नाउ द सैल्यूटेशन ऑफ द टाइटल कम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ माई टेक्स्ट. सो इंस्टेड ऑफ एंड्स विद एंड कंटेंस, व्हाट वी हैव टू फॉलो, वी हैव टू फॉलो दिस पैटर्न when we mention the criteria. So we go over here, we again use the countif function, put my range, lock it, and what I have to write, I have to identify the misses dot and as it's starting from the left or begins it's at the beginning of the text, so I'll put my asterisk sign here. I put double inverted commas, I close my parentheses and enter, and that's how you get your answer. So our second wildcard operator is the question mark. Question mark is generally used to identify a single character within a text. Suppose करिए कि हमारे पास, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ countries की list है which have around 122 countries, ठीक है. अब कभी भी अगर आप फिल्टर किसी लिस्ट पर अप्लाई करते हैं, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग अ स्पेसिफिक टेक्स्ट, तो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के हिसाब से उसको जो भी मतलब बेसिकली जो भी चीज़ आइडेंटिफाई होती है वो सारे के सारे ऑप्शंस दे देता है. फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट प्रेस द आई, तो जहाँ पे भी मेरा आई वर्ड उन टेक्स्ट में आ रहा होगा वो सारे के सारे फिल्टर्स मेरे को दे देते हैं. एंड वट वी जनरली डू, वी वर एंड अप बाय राइटिंग द एग्जैक्ट टेक्स्ट जो हम लोगों को चाहिए होता है. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि हमको ईरान एक कंट्री है जो कि हमको फिल्टर आउट करनी है, ठीक है. सो एज सून एज राइट, यू नो, राइट स्टार्टिंग द ईरान, आई राइट IR और IR से रिलेटेड वहाँ पे जितने भी मेरे पास ऑप्शन आ रहे होंगे वो सारे के सारे शो कर देंगे. इट डजेंट मैटर कि वो जो IR आ रहा है वो स्टार्टिंग में आ रहा है, टेक्स्ट के बीच में आ रहा है या फिर एंड में आ रहा है. इफ इट्स प्रेजेंट वो मेरे को शो कर देगा. नाउ वेयर वी जनरली यूज द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क हमारा यूज होता है टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर सिंगल टेक्स्ट. तो अगर मैं कहूँ कि मेरे को ईरान सर्च करना है एंड आफ्टर राइटिंग द IR मैं अगर यहाँ पे दो क्वेश्चन मार्क्स उसको दे देता हूँ, सो यू सी वो उसी दो के हिसाब से आपकी जो पूरी लिस्ट है उसको फिल्टर कर देगा. नाउ एक्सेल क्या कर रहा है, एक्सेल आपका
टैक्स पड़ रहा है वो कह रहा है कि उसको ऐसा टैक्स चाहिए जो कि IR से शुरू हो और उसके बाद मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ दो कैरेक्टर्स और होने चाहिए। इफ आई इंस्टेड ऑफ दिस लास्ट क्वेश्चन मार्क आई पुट N, तो वो मेरे को डायरेक्टली सिर्फ ईरान ही फिल्टर आउट करके दे देगा। सो दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली यूज द क्वेश्चन मार्क टू फिल्टर आउट द थिंग्स स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर लेंथ ऑफ दैट टेक्स्ट। अगर आपके पास कोई ऐसा टेक्स्ट है जहाँ पे 5 कैरेक्टर्स हैं, सॉरी 5 लेटर्स हैं, और आपको उसमें से दो पर तीन का आइडिया है, बट यू डोंट वॉन्ट टू राइट द एंटायर, यू नो, द एंटायर टेक्स्ट और द वर्ड, अब स्मेलिंग नहीं आती या जो भी कुछ कन्फ्यूजन है, सो यू कैन सिंपली यूज दिस क्वेश्चन मार्क वेरी इजिली। ठीक है, मैंने आई लिखा, नाउ आई पा यू नो मार्क द क्वेश्चन मार्क एंड आई राइट एन। तो देखिए इस केस में भी उसने मेरे को ईरान इजिली फिल्टर आउट करके दे दिया। सो दैट्स हाउ यू बेसिकली यूज द क्वेश्चन मार्क एज अ सेकेंड वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर विच इज माई टिल्डे साइन। नाउ एज यू कैन सी इन टू ऑन माई स्क्रीन, हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा एक टेबल लिखा हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे कुछ वी लुकअप से उसके वैल्यूज आइडेंटिफाई कर लिए हैं। नाउ टू एक्सप्लेन द एग्जैक्ट यूज ऑफ द टिल्डे, व्हाट आई विल डू, आई विल रिमूव दिस थिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं करा हुआ, एक नॉर्मल सा हम लोगों ने सिर्फ वी लुकअप लगा रखा था। ठीक है, नाउ व्हाट टिल्डे साइन बेसिकली डू। कई बार क्या होता है कि हम जब लोग किसी डेटा सोर्स से हम लोग डेटा पुल करते हैं अपने एक्सेल में या किसी भी फॉर्मेट में, तो उसके अंदर ना किसी किसी सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट कोई दूसरा वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर होता है। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू है बेरी फ्रेंच, और यहाँ पे सेम वैल्यू लिखी हुई है बेरी फ्रेंच, बट उसके आगे हमारे पास एक एस्ट्रिक साइन भी लगा हुआ है, विच इज बेसिकली एन एरर। नाउ व्हाट विल हैपन अगर मैं आपको बोलूं क्या मेरे को ये दोनों बेरी फ्रेंच जो है वो एक्चुअल में अलग अलग हैं। ठीक है, बिकॉज इनकी IDs अलग हैं या जो भी इनका सीरियल नंबर अलग है, बट दे आर डिफरेंट। एंड इफ आई अप्लाई माई वी लुकअप ओवर हेयर, सो आई गिव माई लुकअप वैल्यू, आई सेलेक्ट माई टेबल एरे, आई फ्रीज इट, आई लॉक माई रेंज एंड आई प्रेस comma 1, comma 0 एंड प्रेस द एंटर। सो इट विल गिव मी द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर कस्टमर नेम। इफ आई ड्रैग दिस फॉर्मूला जस्ट बिलो दिस, मैं कंट्रोल डी करता हूँ और मैं उसको ड्रैग करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो मेरे को सेकेंड जो ऑप्शन है विच इज माई बेरी फ्रेंच विद द एस्ट्रिक साइन वो नहीं दे रहा है, बल्कि वो मेरे को यही वाला ऊपर वाला बेरी फ्रेंच की वैल्यू पिकअप करके दे रहा है। रीजन फॉर द ऑब्वियस रीजन, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली ये और ये दोनों सेम वैल्यूज है। सो हाउ यू कैन एक्चुअली डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज काइंड ऑफ वैल्यूज, ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हम टिल्डे साइन का यूज करते हैं। नाउ टिल्डे साइन इज बेसिकली यूज विद द सब्स्टिट्यूट फंक्शन। क्यों? क्योंकि टिल्डे साइन आपको आइडेंटिफाई करवाता है एक वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर और उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये शायद थोड़ा सा बोलने से समझ में नहीं आएगा या सुनने से, सो लेट्स ट्राई टू डू इट कि एक्चुअल में हो कैसे रहा है। I'll F to this particular formula and instead of, you know, grabbing the exact value of my E8 जहाँ पे मेरा Berry French asterisk sign लिखा हुआ है, I'll write my function substitute. Now, what I have to substitute? This is the text from where I have to substitute. I have to substitute my asterisk sign because this is basically the, I would say, a text जो हमें issue दे रहा है. And what I have to convert? I have to convert this asterisk sign with a question mark. राइट, सो हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, सिंपली इसके आगे अब क्योंकि सब्स्टिट्यूट है, मेरे को ये अपना एस्ट्रिक साइन सब्स्टिट्यूट करना है विद अ क्वेश्चन मार्क, तो मैं क्या करूंगा, अपना डबल इन्वर्टेड कॉमास ओपन करूंगा, फर्स्ट आई पुट माई क्वेश्चन मार्क और उसके साथ ही मैं अपना एक एस्ट्रिक साइन लगा दूंगा और मैं अपने डबल कोट्स को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए समझने की कोशिश करिए कि हो क्या रहा है। अभी हमने कह रहे हैं कि हम इस एस्ट्रिक साइन को रिप्लेस करना चाहते हैं। ठीक है, अभी ये जो एस्ट्रिक साइन है वी लुकअप इसको एज अ वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर ही ट्रीट कर रहा है, सो आई हैव टू कन्वर्ट दिस वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर इनटू अ टेक्स्ट। हाउ वी कैन डू इट, बाय सिंपली सब्स्टिट्यूटिंग दिस एस्ट्रिक साइन अलोंग विद अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इस वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर को आइडेंटिफाई करेगा और उसको एक टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। बाकी का फॉर्मूला मेरा वी लुकअप का सेम एज इट इज रहेगा और आपको बस एंटर प्रेस करना है और देखिए उसने आपकी जो वैल्यू है वो कैच कर ली। नाउ दिस एस्ट्रिक साइन इज कंसिडर्ड एज अ टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ अ वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर।
तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई हमारे वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स की कि वो कितने तरीके के हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी एक ट्रिक के ऊपर, जिसमें देखते हैं कि कैसे हम वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर को और भी ज़्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर एक छोटा सा टेबल है जिसमें नाम लिखे हैं और यहाँ पे कुछ सेल्स की फील्ड्स एम्प्टी हैं। एंड इसी के साथ हमारे पास तीन शीट्स और हैं, शीट 1, शीट 2 और शीट 3, जिसके अंदर लगभग लगभग सेम तरीके का डेटा डाला हुआ है। आप कह सकते हैं कि ये मंथली डेटा भी हो सकता है या फिर किसी भी हिसाब से कोई वीकली डेटा हो सकता है। तो शीट 1 में हमारे पास डेटा 1 है जहाँ पे सेम नाम है और उनकी कुछ सेल्स हैं। सेम थिंग गोज विद दी शीट 2 एंड शीट 3। नाउ अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको क्या करना है, आपको एक कंसोलिडेटेड तीनों शीट्स का सम करके यहाँ पर लेकर आना है। तो एक जनरल अप्रोच जो अभी तक हम लोग यूज करते आ रहे थे वो होती थी कि आप यहाँ पे सम का फंक्शन लगाएंगे, आप उस शीट पे जाएंगे, यू विल सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर सेल, प्रेस कॉमा, मूव टू दी अनदर शीट, फिर इसको सेल को सेलेक्ट करेंगे, शीट 3 पे जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, अपना ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर मार के फॉर्मूले को ड्रैग कर देंगे। तो इस तरीके से अभी तक हम लोग यूज करते आ रहे थे, बट इस टेक्निक को या इस फंक्शनैलिटी को इस तरीके से यूज करने में हो सकता है कि आपके पास कुछ ह्यूमन एरर हो जाए। प्लस अभी तो ये सिर्फ 3 शीट्स हैं, तो हार्डली इट टेक 5 to 10 seconds कि मैंने सारे के सारे सम निकाल लिए। बट सपोज करिए अगर मेरे पास ऐसी 10 शीट्स हैं, 15 शीट्स हैं, 20 शीट्स हैं जिन पर मैं काम कर रहा हूँ, मुझे कंसोलिडेटेड नंबर चाहिए उन सबका, देन डेफिनेटली वहाँ पर आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आपके एक ह्यूमन एरर होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो द ट्रिक इज दैट हाउ वी कैन एक्चुअली यूज और गेट दिस सेम आउटपुट बाय यूजिंग दी वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर। अब देखिए, हमने इक्वल टू प्रेस करा, फाइनली मुझे ऑपरेशन क्या, मैथमेटिकल कौन सा ऑपरेशन यूज करना है, सम। सो मैंने सम लगाया, आई प्रेस टैब, मेरे पेरेंथीसिस ओपन हो गए। नाउ मेरी यहाँ पे जो शीट्स के नाम है वो यहाँ पे शीट के नाम है शीट 1, 2 एंड 3। सो वट आई एम गोइंग टू डू, तो मैं यहाँ पर एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा एंड हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे एस्ट्रिक साइन का कंटेन वाला जो टाइप है उसको यूज करेंगे। तो कंटेन के लिए मेरे को पहले एस्ट्रिक साइन लगाना पड़ेगा और उसके बीच में मैं लिखूंगा शीट, ठीक है, अगेन एस्ट्रिक साइन, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ताकि क्योंकि मैंने वो ओपन करा था तो मेरे को क्लोज भी करना पड़ेगा। आई प्रेस माई एक्सक्लेमेटरी साइन और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि मेरे को किस सेल के रेफरेंस से उनका सम करवाना है। तो यहाँ पर इस ट्रिक को यूज करने का मैं एक आपको एक बैकड्रॉप भी बता देता हूँ कि आपका जो बेसिकली सेल की रेफरेंस है वो हर शीट पे सेम होनी चाहिए। जैसे अगर शीट 1 में C5 है A पे, तो बाकी शीट्स में भी A की जो सेल्स है वो C5 पर ही होनी चाहिए, तब ये चीज़ आपकी काम करेगी। ठीक है, आपने इसको क्लोज करा। अब आइडियली अगर मैं देखूं तो हमने ज्यादा कुछ नहीं करा, हमने सम लगाया है, हमने शीट वर्ड को, क्योंकि मेरी तीनों शीट शीट नाम से स्टार्ट हो रही है, उसको डबल इन्वर्टेड सॉरी सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में रखा है और कंटेन्स यूज करा है एस्ट्रिक साइन का। देन आई हैव यूज दी आई हैव गिवन दी सेल रेफरेंस, माई पेरेंथिस क्लोज एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मेरे जो सारे सम हैं वो विदाउट एनी हैसल के एक ही बार में पिक होकर और बिल्कुल करेक्ट तरीके से आ गए हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की ट्रिक। अगर आप चाहते हैं कि हम एक्सेल की और भी वीडियोस और ऐसी ही एक छोटी छोटी ट्रिक्स यूज करते रहें, तो प्लीज हमारे साथ कमेंट में वो शेयर करिए। और अगर इफ यू ऑल्सो वॉन्टेड वी शुड यू नो डिस्कस सम पर्टिकुलर और अ वेरी यू नो फोकस टॉपिक, वेदर इट्स इन पावर बी आई और एक्सेल, तो वो भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव इनफ एंड यू मस्ट हैव गेन एंड लर्न समथिंग न्यू टूडे। फॉर मोर सर वीडियोज काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट दी लाइक बटन अलॉन्ग विद दी बेल आइकन, ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो लॉन्च हो आप उसको सबसे पहले देख सकें। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, एंड डू लेट अस नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा बाय कमेंटिंग बिलो ऑन इट। वी विल अगेन कम बैक विद न्यू वीडियो नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय बाय।